हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तिलक है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक और स्टडी मटेरियल फॉर गेट और आईएएस एग्जाम। आईएएस और गेट एग्जाम्स के लिए हमारे कौन कौन से बेस्ट स्टडी मटेरियल होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए मुझे आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। इन फ्यूचर आई विल मेक वीडियो ऑन जनरल स्टडीज जीएस के जो सारे टॉपिक्स है उसमें मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा, और होपफुली एक कल या परसों से मेरी यूट्यूब वीडियो अपलोड होने भी शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली मैं उन पर वर्क कर रहा हूँ, उनकी स्लाइड्स वगैरह बना रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर करूंगा, और जो कॉमन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है वो भी मैं सारा पढ़ाऊंगा। मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पुराने कुछ लेक्चर पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, और आपस से अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस भी यूट्यूब पे लूंगा। और यदि आपके कोई डाउट्स हो और कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएएस के स्टडी मटेरियल से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड की बुक। रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए हमें कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए? तो रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट बुक आरएस अग्रवाल है। आरएस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए। फिर यदि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेडिजी पब्लिकेशंस या आईएएस मास्टर में से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। ये हम लोग पहले आईएएस के जो स्टडी मटेरियल वो डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप मेडिजी पब्लिकेशंस की बुक प्रेफर कीजिए, और बाकी मैं मैथमेटिक्स के मैं लेक्चर लूंगा ही, और आरएस अग्रवाल आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर आप यदि जनरल स्टडीज के बाकी टॉपिक्स जो पढ़ना चाहते हैं ये दो टॉपिक को छोड़ के, तो आप मेडिजी पब्लिकेशंस की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक्चुअली जीएस के लिए मेडिजी पब्लिकेशंस की बुक काफ़ी अच्छी नहीं है। आपको अदर ऑप्शंस जैसे आप हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉर आईएएस के लिए जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आप अरेंज कीजिए, उनको प्रेफर कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शंस है। इन्वायरमेंट के लिए आप जो शंकर आईएएस की बुक्स आती है इन्वायरमेंट के लिए वो आप प्रेफर कीजिए, वो बेस्ट बुक है इन्वायरमेंट के लिए। और बाकी नॉर्मल नॉलेज के लिए आप थोड़ा बहुत काफ़ी चीज़ें मेडिजी के मटेरियल में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, तो आप मेडिजी के मटेरियल्स भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं उनकी सारी लिंक्स, ये सारी बुक्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स और कन्वेंशनल के लिए, आईएएस प्रीलिम्स मतलब जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है टेक्निकल का, और कन्वेंशनल पेपर, इसके लिए बेस्ट बुक मेडिजी पब्लिकेशंस है, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, आपको काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और सेल्फ स्टडी के लिए आप अपने एंड से हैंड रिटन नोट्स अरेंज कीजिए। आप आईएएस के लिए मेरे हिसाब से आप मेडिजी और आईएएस मास्टर दोनों के हैंड रिटन नोट्स अरेंज कीजिए। दोनों यदि आप हैंड रिटन नोट्स दोनों से आप प्रेफर करेंगे दोनों नोट्स से, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर आप एक स्टडी मटेरियल या एक कोचिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारी आजकल क्या होता है, नए क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं यूपीएससी में, तो वो जरूरी नहीं है कि किसी एक कोचिंग के या किसी एक कोचिंग के स्टडी मटेरियल से आ जाए, तो आप मल्टीपल सोर्सेज प्रेफर कीजिए। आप यूट्यूब की भी हेल्प ले लीजिए, आप हैंड रिटन नोट्स देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर का खुद से एनालिसिस कीजिए, आपको खुद से पता लग जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। क्योंकि क्या होता है, नए नए क्वेश्चंस नए नए एरिया से पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और कोचिंग वाले एक अपना रूटीन फॉर्मेट रखते हैं, वही रेगुलर पढ़ाते रहते हैं, वो अपडेशन नहीं करते हैं, अपने जो लेक्चर्स को अपडेट नहीं करते हैं, इसकी वजह से फिर दिक्कत आती है। तो आप खुद से भी मेहनत कीजिए, पर्टिकुलर कोचिंग के भरोसे कभी मत रहिए। और बाकी बुक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आइए अब गेट के स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेम जैसे यहाँ पे भी आप रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए आप आरएस अग्रवाल प्रेफर कीजिए, बेस्ट है। मैथमेटिक्स के लिए सेम है, आप मेडिजी पब्लिकेशंस की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कीजिए, द हिंदू जो मोबाइल ऐप होता है
वो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए और 10 से 15 मिनट पढ़ने की डेली इसकी आदत डाल लीजिए। ये काफ़ी हेल्प मिलेगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी जो है वह यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। और आप यदि गेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक्स खरीदना चाहते हैं या उसके जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो मेडिजी पब्लिकेशंस है, आप गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मेडिजी पब्लिकेशंस के परचेस कर लीजिए ऑनलाइन। आप यदि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप साथ साथ में आईएएस के कन्वेंशनल के भी मटेरियल प्रेफर कीजिए, क्योंकि आईएएस के कुछ कन्वेंशनल के जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो गेट एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप आईएएस के भी जो मटेरियल कन्वेंशनल पेपर आप प्रेफर करेंगे, सॉल्व पेपर खरीदिएगा, तो वो आप मेडिजी पब्लिकेशंस के प्रेफर कीजिए। सेल्फ स्टडी के लिए सेम है, आप यहाँ पे यदि आप गेट की स्पेशली गेट की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेडिजी और एस एकेडमी, ये दोनों के मटेरियल्स, हैंड रिटन नोट्स, और इन्हें प्रेफर कीजिए दोनों। और आपसे जो बेस्ट पॉसिबल वे हो आप मल्टीपल सोर्सेस प्रेफर कीजिए। और गेट का सिलेबस छोटा होता है, गेट का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होता, ना इसमें ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती है, इसमें ये पूरा का पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होता है और पूरा का पूरा पेपर ये कॉन्सेप्चुअल ही होता है। तो आप ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें है वो करने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और कॉन्सेप्चुअल जो बेसिक्स होते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और बाकी आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, जो यहाँ पे YouTube लेक्चर कुछ अच्छे यूट्यूबर्स अपलोड करते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इनकी जो बुक्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशंस कर दूंगा। आप गेट के लिए कनोडिया पब्लिकेशंस की भी बुक होती है, कनोडिया की, तो वो आप प्रेफर कीजिए। कनोडिया जो होती है बहुत अच्छी बुक है, आपको ये इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस करें वो अनसॉल्व क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करें, उससे आपके कॉन्सेप्चुअल और आपका ब्रेन डेवलप होगा, और यदि आपके गेट में नए क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भी लोगों को मेरा जो वीडियो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।